अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुनेद खान, आप देख रहे हैं जुनेद खान 05 चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोगों को पाकिस्तान में लोन या कर्जा देने वाली एप्लीकेशंस की एक लिस्ट के बारे में बताने वाले हैं, जिसके अंदर आप अपना आईडी कार्ड या छोटी मोटी डिटेल्स डालकर 5,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का कर्जा ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो के एंड में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये एप्लीकेशंस आपको कर्जा इतनी जल्दी क्यों दे देती हैं, या इनका क्राइटेरिया क्या होता है, या इतनी जल्दी आप पर ये ट्रस्ट क्यों कर लेती हैं। क्योंकि दोस्तों इन एप्लीकेशंस के अंदर आपने जस्ट अपनी छोटी मोटी डिटेल्स डालनी होती हैं और आपको कर्जा मिल जाता है या लोन मिल जाता है, और बाद में दोस्तों ये क्यों आप पर ट्रस्ट करती हैं और क्यों आपको कर्जा देती हैं। और दूसरी चीज दोस्तों, अगर आप इन एप्लीकेशन से कर्जा ले लेते हैं और एग्जाम्पल के लिए टाइम पर आपके पास पैसे ना हुए देने के लिए और आप वो लोन की रीपेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो ये एप्लीकेशन आपका क्या बिगाड़ सकती है, ये एप्लीकेशन आपके ऊपर कौन सा एक्शन लेती है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर आप भी अपने मोबाइल पर 2 से 3 घंटे काम करके डेली के $4 से $5 अर्न करना चाहते हैं बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के, तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक वीडियो का लिंक देंगे, उस पर क्लिक करें। उस वीडियो के अंदर जो मेथड मैं आपको बताया, उस मेथड को यूज करके हमने पर्सनली $500 की अर्निंग की है, प्रूफ उस वीडियो के अंदर होगा। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहां पर आपको एप्लीकेशंस की लिस्ट बता देता हूं कि कौन कौन एप्लीकेशन आपको पाकिस्तान में इजीली लोन या कर्जा दे देगी। बाद में हम बात करेंगे दूसरे इश्यूज के बारे में कि अगर आप कर्जा वापस नहीं करते हैं, या आप कर्जा देने में लेट हो जाते हैं, या ये इनका क्राइटेरिया क्या होता है, हर चीज के बारे में बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों आपने जस्ट क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक देंगे, आपने उस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप इस तरह की वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहां पर दोस्तों आपने जस्ट यहां पर नीचे की तरफ आना है। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर दोस्तों आपको बेस्ट लोन ऐप्स के नाम से एक लिंक नजर आएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। आपके दोस्तों एक लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी, उसके अंदर दोस्तों एप्लीकेशंस की लिस्ट होगी जो इस टाइम मार्केट में आपको लोन दे रही हैं। तो दोस्तों जैसे ही इस लिस्ट पर आप जाएंगे, आपको काफ़ी सारी लोन देने वाली या कर्जा देने वाली एप्लीकेशंस मिल जाएंगी जो इस टाइम मार्केट में आपको पाकिस्तान के अंदर कर्जा दे रही हैं, सिर्फ छोटी मोटी डिटेल्स डालकर। और दोस्तों इसके अलावा आने वाले टाइम में आपने डेली टू डेली इस पोस्ट को आकर चेक करते रहना है, या लिस्ट को चेक करते रहना है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया ना, उस पर क्लिक करके वहाँ पर हम ना लिस्ट को अपडेट करते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जो एप्लीकेशन आज के टाइम में लोन दे रही है वो शायद कल के टाइम में ना दे रही हो, तो हमने उस एप्लीकेशन को इस लिस्ट से निकाल देना है और उस टाइम में जो एप्लीकेशन लोन दे रही होगी उसको हम इस लिस्ट में ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि डेली डेली सिर्फ आपने 1 मिनट या 2 मिनट लगाकर वेबसाइट पर आ जाया करना है, लिस्ट चेक किया करनी है, अगर कोई न्यू एप्लीकेशन आ गई है जस्ट उसके अंदर अपनी डिटेल्स डालें और आप कर्जा ले सकते हैं। अब दोस्तों इनका क्राइटेरिया क्या होता है, दोस्तों सब एप्लीकेशंस का क्राइटेरिया यही होता है कि आपने जस्ट अपना आईडी कार्ड नंबर डालना है, अपनी छोटी मोटी डिटेल्स डालनी है, और जहां पर आप कर्जा लेना चाहते हैं वो अकाउंट नंबर देना है आपने, और आपको कर्जा मिल जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि दोस्तों अगर आप कर्जा लेकर वापस नहीं करते हैं तो क्या होगा, या ये एप्लीकेशंस आप पर इतना जल्दी ट्रस्ट क्यों कर लेती है, आपको कर्जा क्यों इजीली दे देती हैं, बाकी बैंक्स क्यों नहीं देती हैं। तो बेसिकली दोस्तों जो रजिस्टर्ड कंपनियां होती हैं उनको अगर उनसे अगर आप कर्जा लेते हैं और कर्जा लेकर वापस नहीं करते हैं तो वो आपको डिफॉल्टर लिस्ट में डाल सकती हैं। अब डिफॉल्टर लिस्ट क्या होती है, बेसिकली दोस्तों डिफॉल्टर लिस्ट कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं है कि आपको उठा के ले जाएगी एफआईए वाले, कोई ऐसी चीज नहीं है। सिर्फ मैक्सिमम आपके साथ यह किया जाता है, आपको दो इशू फेस करने पड़ेंगे कि अगर आपने किसी छोटी कंपनी से भी अगर 1,000 रुपए का लोन लिया और उसको भी वापस नहीं किया तो आप डिफॉल्टर लिस्ट में आ जाएंगे। फिर आने वाले टाइम में आप किसी दूसरी बड़ी कंपनी या इसके अलावा किसी दूसरे बैंक के पास भी जाते हैं और वहां से लोन लेने की ट्राई करते हैं, तो डिफॉल्टर लिस्ट में होने की वजह से आप लोन नहीं ले सकेंगे जब तक आप वो जो पिछला जो आपने किसी भी कंपनी से लोन लिया उसको वापस नहीं करते हैं, या उसकी जो आपको ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हुआ उसकी रीपेमेंट नहीं करते हैं। दूसरी चीज दोस्तों ये है कि अगर आप आने वाले टाइम में अब्रॉड जाना चाहते हैं या बाहर की किसी कंट्री में जाना चाहते हैं, तो उसके बाद दोस्तों डिफॉल्टर लिस्ट का एक पेज आपके साथ लगता है, अगर वहां पर आप क्लियर नहीं होंगे तो आप बाहर भी नहीं जा सकेंगे, तो उसके लिए भी आपको पहले लोन की रीपेमेंट करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आप बाहर जा सकते हैं। तो अगर आप ये दोनों इशू को फेस नहीं करना चाहते हैं तो रीपेमेंट कर दें, अगर आप फेस करना कर सकते हैं दो इश्यूज को तो आप जितना मर्जी लोन लेकर वापस ना करें, आपको इससे बड़ा कोई एक्शन नहीं होगा आपके खिलाफ। अल्लाह हाफिज़।